हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में, कैसे आप 40 प्लस का स्कोर कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए और कैसे इस सेक्शन की पूरी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। IBPS PO की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2-2.5 महीने सिर्फ प्री की तैयारी करते हैं, जनरल अवेयरनेस को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं और एंड में हमारे पास कई बार आते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ सर एक कैप्सूल दे दीजिए जनरल अवेयरनेस का, जो मैं 3-4 दिन पढ़ूं और मेरा 40 का स्कोर आ जाए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल गलत सोचते हैं कि आप 3 दिन में पूरा जनरल अवेयरनेस पढ़ लेंगे और 40 मार्क आपके आ जाएंगे। ये चीज़ बिल्कुल समझ लीजिए, ये गलत है, पॉसिबल नहीं है। तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी शुरू से, day 1 से। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बिना जनरल अवेयरनेस के निकालना मुश्किल है। दिन के सिर्फ 15 मिनट दीजिए, बहुत है, 15-20 मिनट दीजिए जनरल अवेयरनेस को, और ये 15-20 मिनट पूरा जनरल अवेयरनेस के सेक्शन है जो IBPS PO मेंस का और इवन SBI PO, IBPS क्लर्क, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए 15-20 मिनट काफ़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तो अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात करूं, इसको पार्ट्स की बात करूं, तो जनरल अवेयरनेस को बेसिकली 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। करंट अफेयर्स पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा है बैंकिंग अवेयरनेस, तीसरा हिस्सा है स्टैटिक GK। तो अगर पेपर मान लीजिए कि 100% पेपर है, 100% में से जो करंट अफेयर्स है ये 50% के तकरीबन करंट अफेयर्स आते हैं, और यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस जो है ये आती है आपकी 30% और 20% जो है ये स्टार्टिंग GK है। मतलब ये किसी ने मेंशन नहीं करा है, किसी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, ये पिछले 2-2.5 साल का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो करंट अफेयर है वो 40-50% का पेपर में आता है, बैंकिंग अवेयरनेस नॉर्मली 30% आ जाती है और स्टैटिक GK 20% आता है। तो ये पूरा आप कह लीजिए बैंकिंग एग्ज़ाम, चाहे IBPS PO ले लें, चाहे आप IBPS क्लर्क देख लें, चाहे SBI का एग्ज़ाम देख लें, तो सभी जगह ये ट्रेंड चलता है। कई बार ऐसा ज़रूर होता है अनएक्सपेक्टेड वे में, जैसे SBI में होता है कि ये 20 की जगह 30-35% तक भी चले जाता है स्टैटिक GK, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। यही आप कह लीजिए आपका एक पैटर्न है या आप सिलेबस है आपका जनरल अवेयरनेस सिलेबस का। तो बात करते हैं करंट अफेयर्स की। स्टूडेंट्स सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो करंट अफेयर्स जो है अपलोड करती हैं, करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन सबका पर्पस अलग है। अगर आप UPSC या IAS की बात करें तो उसमें फैक्ट, करंट अफेयर्स में फैक्ट के बेसिस पे नहीं होते, वहाँ पे लोगों को चीज़ें याद करनी नहीं होती हैं, अपना ओपिनियन देना ज़्यादा होता है। वहाँ पे लोग अपना ओपिनियन कैसे बिल्ड करते हैं उसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आपको जैसे अपॉइंटमेंट कोई होगी, कोई गवर्नमेंट की स्कीम होगी कि मतलब उसका कॉर्पस क्या है, किसको अवार्ड मिला है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा इंटरनेशनल कोई इवेंट हुआ है, G7 की मीट हुई है, किसके लिए हुई है, इन्वायरमेंटल के इश्यूज हैं तो इन्वायरमेंट का जो इशू है वो कहाँ पर मीट हुई थी, क्लाइमेट चेंज के जो पैक्स बने हुए हैं वो कौन से हैं, बस आपको यहाँ तक जानना है, ज़्यादा डिटेल में आपको जाना ही नहीं है, डिटेल में UPSC वाले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा स्टडी मटेरियल, कौन सी अपडेट्स हैं करंट अफेयर्स की फॉलो करनी है। UPSC की अलग होती हैं, बैंकिंग की अलग होती हैं, आप बैंकिंग वाली फॉलो करें। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा सेशन देख रहे हैं, तो मैं अज्यूम करता हूं कि आप बैंकिंग की ही तैयारी कर रहे हैं, UPSC की नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं, मैं अभी नाम नहीं ले सकता हूँ सबके, लेकिन जो UPSC की जो वेबसाइट्स हैं उनको करंट अफेयर्स के लिए फॉलो ना करें, बहुत डिटेल में होती हैं और बहुत कुछ उन्होंने छोड़ा होता है जो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्लीज़ वो फॉलो ना करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कीम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पिछले देखिए करंट अफेयर्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे पूछे सर कितने महीनों का करंट अफेयर पढ़ें, कितने महीनों का पढ़ें। दो टाइप के टॉपिक्स हैं, पहले टाइप का टॉपिक तो ये आ जाता है कि जिसमें आप पिछले सिर्फ 3-4 महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ लें,
बहुत है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको पिछले एक साल का करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको रखना पड़ेगा, चाहे अपने खुद के नोट्स बनाएं। जैसे ये गवर्नमेंट स्कीम है, आज से एक साल पहले जो स्कीम आई थी, हो सकता है उसमें उसमें से क्वेश्चन आपको IBPS PU में पूछ लें या किसी और एग्जाम में पूछ लें। एक साल पुरानी स्कीम देखा जाए तो ये करंट अफेयर एक साल पुराना है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है तो ये बहुत पुरानी। आधार में से आज तक क्वेश्चन पूछते हैं, जनधन योजना में से आज तक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट स्कीम है, रनिंग में है, आजकल चल रही है, कोई चेंज हुआ है या कोई बड़ा इसमें चेंज आया है या न्यूज़ में आ चुकी है, तो इसमें से क्वेश्चन तो बनते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम जो है ये आप कोशिश करें पिछले एक साल की रेगुलर पढ़ें। गवर्नमेंट स्कीम बहुत बहुत ज़रूरी है, पिछले 3 महीने की पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पिछले 3 महीने के कितनी की स्कीम्स आई होंगी। तो कोशिश करें ये लॉन्ग टाइम की गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ें। अपॉइंटमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कई बार मैंने ध्यान देखा है कि अपॉइंटमेंट्स कुछ पुरानी भी पूछ लेते हैं। अगर चेंज ही नहीं हुआ, अगर मैं कहूं कि CBSE का चेयरमैन कौन है, अगर वो पिछले एक साल से वो बंदे चेंज नहीं हुए हैं, राइट, तो ऑब्वियसली उस अगर वो पूछ लेते हैं, वो है तो एक साल पुराना लेकिन वो अभी तक वो जो फैक्ट है वो वैलिड है। तो इसलिए अपॉइंटमेंट जो है ये भी पिछले एक साल का पकड़ के चलें। अवार्ड्स एंड ऑनर, ये पिछले मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपको पिछले एक साल के पढ़ने पड़ेंगे। ये एक साल के पढ़ें, जो मैं आगे बताऊंगा वो पिछले 3-4 महीने के पढ़ लें, बहुत हैं। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, इन सब की PDFs मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे दूंगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो है ये भी पिछले एक साल के पढ़ लें। कोई वैसे कितने के अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह होते हैं, ग्रैमी अवार्ड्स हो गए, आप कह लीजिए पद्मश्री, पद्म रत्न, ये पद्मा के अवार्ड्स हो गए, भारत रत्न, चलो वो तो ध्यान में रहता ही है, जो छोटे छोटे कोई भी अवार्ड्स होते हैं, कोई लिटरेरी अवार्ड्स हो गए या बुकर अवार्ड हो गया, तो ये सारे अवार्ड्स आपको, ज़्यादा नहीं है अवार्ड्स, 5-6 तरीके के अवार्ड्स हैं, उनके बारे में आप जो है उनकी लिस्ट जो है थोड़ी सी याद करके रख लें। नेशनल मूवी अवार्ड्स भी आते हैं तो वो भी थोड़ा सा आप याद रखें। सिर्फ 6-7 तरीके के अवार्ड्स, 6-7 अवार्ड्स हैं, अभी एक साल में एक ही बार होते हैं। तो अगर ये जैन में कोई अवार्ड हो गया है, ग्रैमी अगर जैन में हो गया है, अगर आप इवन अगला ग्रैमी अवार्ड नहीं आया तो नवंबर में भी एग्ज़ाम है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से रखिए। इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं, जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स भी कई बार साल में एक ही मीट होती है, G7 की कोई मीट है या G7 में कोई नया कमेटी बना है उसके बारे में है, या कह लीजिए क्लाइमेट चेंज के बारे में, पेरिस में पैक्ट हुआ था, हुआ तो आई थिंक एक साल से पहले से हुआ है, तो करंट अफेयर है, लेकिन अभी जैसे आप देखिए ट्रंप साहब ने वो कह दिया कि मैं तो जी पेरिस की जो पैक्ट है इसको मैं नहीं मानता, जो इन्वायरमेंट चेंज वाला है, तो वो है पुराना है लेकिन अभी न्यूज़ में है, तो इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आ सकता है। क्लाइमेट चेंज वाला जो पैक्ट हुआ था पेरिस में, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक साल पुराना है लेकिन इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, चाहे एक साल पुराना है लेकिन इसमें से क्वेश्चन बनता है। अगर आप पिछले 3 महीने का GK डाइजेस्ट भी पढ़ लेंगे, उसमें से भी आप कहेंगे सर ये सिर्फ 70% पेपर आया, 60% पेपर आया, 40% एक साल पुराने में से भी आ सकता है। अगर आप रेगुलर GK डाइजेस्ट, जो हमारा मंथली कैप्सूल है, या GK डाइजेस्ट हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखते हैं, उसे पढ़ते हैं डेली, तो आप यकीन कीजिए 95% ऑफ द एग्ज़ाम आपको उसी में से मिल जाएगा। लेकिन रेगुलर 2 महीने 2.5 महीने तो कुछ फ़ायदा नहीं है, रेगुलर पढ़ें। जैसे कि ये देखिए एक साल, पिछले एक साल में से कुछ भी आ सकता है। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, डेली 20 मिनट भी दे रहे हैं, आपको हर एक गवर्नमेंट स्कीम का पता होगा, एक एक आपको अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही ना दिमाग में। बाकी तो ये है कि आप 50 में से क्यों मैंने 50 नहीं बोले, ये 50 नंबर क्यों मैंने नहीं बोले, क्योंकि ह्यूमन एरर है, आपकी मेमोरी लिमिटेड है। 50 में से 40 कर पाएंगे, 40 आएंगे आपके मार्क, 40 भी अच्छा मार्क है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप जीनियस नहीं हैं, मैं भी जीनियस नहीं हूँ। तो फॉर एन एवरेज स्टूडेंट 50 में से जनरल अवेयरनेस में से 35-40 लाना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इवन 40 का अगर कोई पेपर है उसमें से भी 30+ मार्क लेकर आना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि लिमिटेड सा सिलेबस है, कोई UPSC तो है नहीं। कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, अभी जैसे कोई एशेज है या वर्ल्ड कप है, अब कह लीजिए कोई भी टूर्नामेंट होता है फुटबॉल का या हॉकी का, अभी साल में एक दो बड़े टूर्नामेंट तो एक दो होते हैं, राइट, तो अगर साल में एक दो होते हैं तो आपको ऑब्वियसली वो पता होने चाहिए।
अगर तो ये बार बार होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, करंट अफेयर्स पढ़ते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें, जीके पढ़ते हुए जिन चीज़ों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो पिछले 3 महीनों का पढ़ें, लेकिन जिन जिस टॉपिक में जो फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम है, साल में एक बार इवेंट हो रहा है, साल में एक बार अवार्ड हो रहे हैं, तो वो आप पिछले 1 साल का पढ़ें। नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही आ जाता है, लेकिन अगर पिछले 1 साल में जो हेड है, जो पिछले 8-9 महीने पहले चेंज हुआ था वर्ल्ड बैंक का, अगर तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है WTO का हेड, कौन है। अगर 8 महीने पहले भी चेंज हुआ था, 8 महीने पहले करंट अफेयर्स में आया था, लेकिन आज भी वही है, तो आपको पता होना चाहिए। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इनका क्या है कि जैसे इंडिया में जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनके हेड कौन है, इवन सेबी है, नाबार्ड है, इन सबके हेड कौन है, इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, एंड इन्होंने वेरियस जो स्कीम्स लेकर आए हैं, तो देखा जाए तो इनका हेड जो है, इनका जो चेयरमैन है, पिछले 7-8 महीने पहले अगर चेंज हुआ है तो आपको अभी भी वही है, तो पता होना चाहिए ऑब्वियसली। इनकी टैगलाइन क्या है बैंक की, बैंक की टैगलाइन तो चेंज नहीं होती, काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी के आ गया है, लेकिन अगर हो सकता है बैंक की टैगलाइन या कुछ मार्केटिंग कुछ ऐसे उन्होंने लाइन निकाली हो पिछले 7-8 महीने पहले, तो आपको पता होनी चाहिए। बैंक्स की वेरियस ऐप्स आती हैं, वेरियस स्कीम्स आती हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो अभी थोड़ा सा आते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स। अभी ये देखिए, बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, जो इवन इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स हैं, जो पिछले 3-4 महीनों में एक्टिव हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अभी MOUs हैं, बहुत सारे MOU होते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई इंडिया का MOU हो रहा है आजकल, आप कितना याद रखेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट MOUs हैं पिछले 3-4 महीने के, 4 महीने का ज़रूर पढ़ के चलें। मिलिट्री एक्सरसाइजेज वैसे होती बहुत सारी हैं, लेकिन ये मैं कहूँगा 1 साल का रेगुलर पढ़ लें, एक सिंपल सी लिस्ट होती है वैसे, राइट। लेकिन पेपर में पिछले 4 महीने का ही ज़्यादातर आता है, 4 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं आता, लेकिन पकड़ के चलें। कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार चेंज हो जाता है, राइट, लेकिन आप जो लेटेस्ट है वही लिस्ट पढ़ के जाएंगे। आज से 1 साल पहले कौन था कैबिनेट मिनिस्टर, वो आई थिंक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वो टाइम की बर्बादी है। बुक्स एंड ऑथर्स, बहुत सारी बुक्स आती हैं, ट्रस्ट मी, हर रोज़ कोई ना कोई बुक आ जाती है। पिछले 1 साल की अगर आप सारी बुक्स देखने लग जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, उसको थोड़ा अवॉइड करें। कोशिश करें कि जो नॉर्मल बुक्स आती रहती हैं वो पिछले 3-4 महीने की देख लें, किसी बड़े अच्छे बंदे की आई हैं, लेकिन जो बेस्ट सेलर बुक हैं, जो बुक्स पॉपुलर हैं, जो जिसके अराउंड कॉन्ट्रोवर्सी है, वो ज़रूर आप पढ़ें। एक ये चीज़ बड़ी ध्यान देने वाली है, GK का जो टॉपिक है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। आप कोशिश कीजिए जिस चीज़ के अराउंड कंट्रोवर्सी है वो पेपर में ज़रूर आएगी। GK कंट्रोवर्सी को, जिस चीज़ के अराउंड कंट्रोवर्सी है, थोड़ी सी अभी मैं बात करूँगा, आगे इसके बाद मैं बात करूँगा कि 4-5 टॉपिक्स में आपको बताऊँगा जो आज की डेट में थोड़े हॉट चल रहे हैं, पॉपुलर चल रहे हैं, फ्यूचर में ऐसे पॉपुलर टॉपिक्स आते रहते हैं, आप उनके बारे में ज़रूर पढ़ें। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, नई कोई साइंस की खोज हुई है या कुछ साइंस में निकल के आया है, या आप कह लीजिए कोई इंडिया ने कुछ नया कुछ निकाला है साइंस में, तो वो भी पढ़ लें। ज़्यादा एक हाथ क्वेश्चन आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। चलिए बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग में पहली चीज़ RBI की पॉलिसीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो RBI की पॉलिसीज़ है। रिसेंटली क्या क्या RBI की पॉलिसीज़ आई हैं, इसको पढ़ना कहाँ से, ये RBI की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पढ़ना है। इवन हम लोग भी बैंकिंग के कई बार नोट्स बनाते हैं, हम RBI की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस की कोई भी बुक आती है वो RBI की ऑफिशियल साइट से ही बनाई जाती है, ये मैं एडमिट करता हूँ, मैं भी उसी में से नोट्स लेके बनाता हूँ, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान से रखें, बैंकिंग पढ़ना है तो RBI.org.in जो है, ये आपके गुरुजी, असली गुरुजी वही हैं, हम तो सिर्फ उसको समरी दे रहे हैं उसकी, राइट, क्योंकि बहुत सारा भंडार है वहाँ पे इंफॉर्मेशन का, रोज़ 10-10 नोटिफिकेशन आते हैं, तो अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते तो हम उसको समराइज करके आपको दे देते हैं। और बैंकिंग टर्म्स ज़रूर पढ़ें, बैंक्स की जो आप कह लीजिए कि पहले ज़माने में ऐसे आता था कि IFSC की फुल फॉर्म क्या है, NPA की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन आजकल वो नहीं आता है। आजकल तो यह आएगा PCA/RBI, इसके बारे में एक लाइन लिखी होगी, यहाँ से पूछेंगे PCA क्या है, प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन है वैसे,
है क्या बीसीए, इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा सा पहले ज़माने में ऐसे हुआ करता था, स्टैटिक ज़्यादा आता था, बैंकिंग में भी स्टैटिक ज़्यादा आता था, लेकिन आजकल जो टॉपिक थोड़ा सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में थोड़ा हॉट चल रहा होता है, तो उसमें से क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी बहुत, वो तो करते हैं इम्पैक्ट, बैंकिंग के भी इम्पैक्ट करते हैं, इवन स्टैटिक जीके में भी इम्पैक्ट करते हैं, जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में तो वो पेपर में आती है। बैंकिंग के बेसिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें कि बैंक के फंक्शन क्या है और आईएफएससी कोड क्या होता है, कितने नंबर होते हैं, स्विफ्ट कोड क्या होता है, तो ये बेसिक बेसिक पढ़ लें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके आगे कुछ पढ़ते नहीं हैं बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स के बाद, लेकिन पढ़ें, प्लीज़ पढ़ें। अपडेट्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री ज़रूर पढ़ लें, आजकल रिसेंट ताज़ा क्या चल रहा है बैंकिंग में। एक तो पीसीए चल रहा है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन चल रहा है, एनपीएस बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, एनपीए के बारे में बहुत बात हो रही है न्यूज़पेपर्स में, बिटकॉइंस के बारे में बहुत बात हो रही है, इन सब के बारे में ज़रूर पढ़ें। तो अगला टॉपिक है जो पॉपुलर एप्लीकेशंस या स्कीम्स लॉन्च करी हैं बैंक्स ने। बैंक की बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस आती हैं, एसबीआई बडी वगैरह, तो पूछ लिया जाता है कि ये जो फला फला एप्लीकेशन है ये कौन से बैंक की है, ये फला फला स्कीम है, ये स्कीम है, ये कौन से बैंक ने लॉन्च करी है, इस स्कीम का पर्पस क्या है, किसके लिए लॉन्च करी गई है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। हेड्स एंड हेडक्वार्टर्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, बाकी ये बेसल नॉर्म्स वगैरह ये स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं। बेसल नॉर्म्स क्या है, सरफेसी एक्ट का ये भी आ जाता है, कोर बैंकिंग वगैरह, ये बेसिक बेसिक से टॉपिक हैं, ये आई थिंक आई होप आपने ऑलरेडी कर रखे होंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में आजकल थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, खाली ये मत पढ़ें कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड को क्या, पहली बात तो क्या होता क्या है म्यूचुअल फंड, इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, एक म्यूचुअल फंड का काम क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड टाइप्स क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, ये सब आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एमपी के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड कौन बेच सकता है, इसके एग्जाम्स होते हैं, तो ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं मिस अगर कर रहा हूँ तो नबार्ड और सेबी के बारे में कर रहा हूँ, सेबी और नबार्ड की वर्किंग आपको देखनी पड़ेगी, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, इनकी वर्किंग क्या है, इनकी अथॉरिटीज़ क्या है, इनकी पावर्स क्या हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट और आरबीआई की स्कीम्स हैं जो बैंक्स को इम्पैक्ट करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है जो बैंक्स को सीधा सीधा इम्पैक्ट करती हैं। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कैसे आप कह लीजिए कि इनकी जो लेटेस्ट स्कीम्स कौन सी आई हैं, इन्होंने कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकाली होंगी, राइट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल की बात करूं या अदर ऑर्गेनाइजेशन भी कर लें, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी बात कर लें, कि इन्होंने कुछ एक रिपोर्ट्स निकाली होंगी, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, ये पूछ लिया जाता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उसका हेडक्वार्टर क्या है, उसका हेड कौन है, तो ये चीज़ें बेसिकली पूछ लिया जाता है। और पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज कितनी है, कौन सी कंट्री IMF का मेंबर नहीं है, वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है कौन सी कंट्री, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। यूनियन बजट के बारे में थोड़ी सी समरी ज़रूर पढ़ लें, 18 पेजेस की समरी वैसे मैंने अपलोड करी थी बैंक एग्जाम्स टुडे पे, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मैं ज़रूर डाल दूंगा। कमेंट्स का रिप्लाई मैं रेगुलरली करता हूं, आप लोगों को पता ही है, सबका रिप्लाई करता हूं मैं। बात करते हैं स्टैटिक जीके की, यहां से सिर्फ 10 मार्क का पेपर आता है, 10 से 12, इससे भी आप कह लीजिए कई बार 7-8 मार्क का भी आता है, 7-8 से लेके आप कह लीजिए 7 से लेके 12 तक, 12 मार्क तक का पेपर इसमें से आ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँगा, इम्पॉर्टेंट डेज विद थीम्स, एक मार्क तो ये पक्का है, कोई भी करंट अफेयर्स किसी भी वेबसाइट से पढ़िए, इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में ज़रूर बताते हैं, लेकिन आजकल जो है हर एक डे की थीम ज़रूर होती है, तो ये ज़रूर पढ़ें। पिछले जो अगर आप नवंबर में पेपर दे रहे हैं तो पिछले 3-4 महीनों के ही को किसी इंपॉर्टेंट डे को ये पूछ लेंगे, वर्ल्ड टबैको डे, कैंसर डे, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। कंट्रीज, देयर करेंसीज एंड कैपिटल्स, ये एक टॉपिक तो यहाँ से बनता है, ये एक्सपेक्ट ना कीजिए कि कैनेडा या USA की कैपिटल पूछी जाएगी, बहुत ही अब कह लीजिए मोजम्बिक की कैपिटल क्या है या कॉन्गो की कैपिटल क्या है, ऐसी कंट्रीज की कैपिटल पूछते हैं, या सब किसी कह लीजिए मेक्सिको की करेंसी क्या है, तो ऐसी कंट्रीज जिनके बारे में आई होप आपको नहीं पता होगा, टॉप कंट्रीज़ के बारे में नहीं पूछा जाता। फोक डांसेस जो हैं इंडिया के, बहुत बहुत सारे डांसेस हैं, कौन सा डांस कौन सी स्टेट से रिलेट करता है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। वेरियस डैम्स हैं, स्टेडियम्स हैं, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, वाटरफॉल्स इन इंडिया,
पिछले कुछ टाइम से अगर कोई स्टेट पॉपुलर चल रहा है या कोई यहाँ से न्यूज़ में कुछ आ रहा है इनमें से, तो ये बिल्कुल पेपर में आ जाता है। रिवर्स एंड रिवर साइड सिटीज़, और इंडियन रिवर्स की भी बात हो रही है और इंटरनेशनल भी, थोड़ा सा 15-20 सिटीज़ पढ़ के जाइए। नेशनल पार्क्स इन इंडिया और उसमें कौन कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, और कोशिश करें आसपास की नेपाल की भी कुछ देख लें, पढ़ लें, पूछ लिया जाता है। और इंडिया में कोई बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, वैसे तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, लेकिन पिछले 4-5-10 सालों में भी कोई हुआ है तो वो ऑब्वियसली स्टैटिक जीके बन गया है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसलिए मैंने ये स्टैटिक जीके में डाला है। कोई टेम्पल है, रिलीजियस प्लेस है जो बहुत पॉपुलर है, वो भी पढ़ लें। इंडिया की पॉपुलर सिटीज़ जो न्यूज़ में है वो बिल्कुल आती हैं, और उनके निक नेम्स क्या हैं, और कह लीजिए उनकी इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस को लेके, आप कह लीजिए या कह लीजिए किसी उनका कल्चरल इम्पोर्टेंस है, वो सब आता है। और एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो मिनरल्स मिस कर रहा हूँ, कौन सा मिनरल, अगर लोहा कहाँ पाया जाता है ज़्यादा, या आप कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ का उत्पादन कहाँ होता है, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। मिनरल्स या आप कह लीजिए फूड आइटम्स कहाँ कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर कौन है, मतलब ये सब आपको थोड़ा एग्री के बारे में भी थोड़ा सा मिनरल्स और एग्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट इन इंडिया, ये तो एक आर्टिकल मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ, लिस्ट दे चुका हूँ, तो ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और पॉपुलर न्यूज़पेपर्स एंड मैं, कई कई बार पूछ लिया जाता है कि डेक्कन क्रॉनिकल ये कहाँ का न्यूज़पेपर है, बेसिक से क्वेश्चन वैसे बहुत कम आते हैं लेकिन कई बार आ जाते हैं। अभी पॉपुलर टॉपिक्स की मैं बात करूं, कोई भी जीए का पेपर है उसमें जो हॉट टॉपिक्स चल रहे होते हैं उसमें से ज़रूर क्वेश्चन आ जाते हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई लिस्ट नहीं है पॉपुलर टॉपिक्स की, ये आज की डेट की बात कर रहा हूँ। आज पिछले 1-2 दिनों में ये टॉपिक हॉट चल रहे हैं, ये टॉपिक पॉपुलर चल रहे हैं, आने वाले दिनों में ये टॉपिक चेंज होते रहेंगे, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए। आज की डेट में जैसे जीएसटी बहुत हॉट चल रहा है टॉपिक, पीसीए बाय आरबीआई इंसॉल्वेंसी, एंड ये वैसे एक ही का पार्ट है, ये एक दो और ये तीनों एक ही न्यूज़ का पार्ट है, पीसीए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और एनपीएस, ये एक का ही पार्ट है, एक ही न्यूज़ है। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत पॉपुलर है, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन अभी इतना पॉपुलर नहीं रहा, अभी ये तो ये ओल्ड टॉपिक हो गया है। 1, 2, 3, ये तीन टॉपिक आज की डेट में बहुत हॉट चल रहे हैं, बहुत पॉपुलर चल रहे हैं, आपको पढ़ने का तरीका समझा रहा हूँ। आज ये तीन टॉपिक चल रहे हैं और पेपर में इन तीनों में से एक क्वेश्चन आने का चांस बहुत ब्राइट है, एक या दो क्वेश्चन आने का चांस बहुत ब्राइट चांस है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, आप एक कॉपी लगा लीजिए, उस पर आप टॉपिक लिखते जाइए, और उसका जीएसटी के साथ अगर आप लिखने की बात करो, अगर मैं पीसीए की बात करूँ, पीसीए किस पे अप्लाई हुआ है क्या, इतना सा लिखें बस, ज़्यादा पेपर ना भरें, छोटा सा लिखें ताकि एग्जाम से 2-4 दिन पहले आपके पास आपके खुद के नोट्स बन जाएं, 70-80 पेज के, आप अपने हिसाब से बनाएं जो पॉपुलर टॉपिक्स हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे हम कोशिश तो ज़रूर करते हैं लेकिन हर एक स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट अलग है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने नोट्स थोड़े से खुद बना के चलें जीए के, अगर ज़्यादा नहीं मेहनत करना चाहते तो सिर्फ टॉपिक लिख लें कि यार आज की डेट में जीएसटी टॉपिक है तो 2 लाइन उसका लिख लें, पीसीए बाय आरबी उसका 2-3 लाइन लिख लें, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2 लाइन उसका लिख लें, ताकि अगर आपसे कोई इसके बारे में पूछे तो आप ब्लैंक ना हो, आपके पास कुछ ना कुछ टॉपिक तो हो, कुछ ना कुछ बोलने लायक आपके पास जरूर हो। तो ये मेन है पॉपुलर टॉपिक्स के बारे में, जरूर थोड़ा सा अपना नोट्स बना के चलें। और फॉलो क्या करना है, पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो rbi.org.in, ये आप बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, ये तो आप कह लीजिए ग्रंथ है, इसको ज़रूर फॉलो करें। जीके डजस का एंड्रॉयड एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल करके चलें, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको खुद के नोट्स बनाए या बनाना चाहते नहीं बनाना चाहते, तो जीके डाइजेस्ट जो है इस पे हम लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं, मैंने बनाए हैं, मेरे साथ के टीचर्स ने जो नोट्स बनाए हैं, ये हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जीके डाइजेस्ट में जीके 100% फ्री है। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, या अगर इसके अलावा कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर आता है तो उसको ज़रूर फॉलो करें, दिन का 15-20 मिनट आधा घंटा ज़रूर दें। पढ़ना क्या है, हेडलाइंस पढ़ लें, अगर एडिटोरियल थोड़ा पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो होम पेज है, मैं होम पेज कह रहा हूँ, हेडलाइंस ज़रूर पढ़ें, जीए के लिए हेडलाइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश अच्छी करनी है तो एडिटोरियल पढ़ लें, अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं या जनरल अवेयरनेस करना है तो हम आपका जो है मेन पेज, पहला पेज आपका बस वही चाहिए, क्योंकि जो भी आप कह लीजिए
पिछले दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है वो पहले पेज पे होता है। एड्स बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन एड्स को थोड़ा अवॉइड करें, ऐड को छोड़ के जो भी उस पर 8-9 न्यूज़ होंगी वही करंट अफेयर्स हैं। तो पहला पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कह लीजिए 5 मिनट, तो 5 मिनट तो कम से कम ज़रूर दें न्यूज़पेपर को। और बैंकिंग अवेयरनेस के जो नोट्स हैं मेरे वो इस लिंक पे अवेलेबल हैं, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और IBPS PO का मेगा प्रिपरेशन सीरीज़ इसको ज़रूर ज्वाइन करें, IBPS PO के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये। हम रेगुलर वैसे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लेकिन साथ में क्विजेज, नोट्स और कह लीजिए डाउट क्लियरिंग सेशन, इसका एक पूरा फ्लो बनेगा, तभी आपका जो स्कोर है वो 60+ जा पाएगा। अगर आप ये स्कोर्स लेते हैं तो आई गारंटी कि आपका 60+ का स्कोर जाएगा, प्रीलिम्स में और मेंस में भी आप एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अपने डाउट्स जो है वो मुझे भेजते रहिए और मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं आपको आपके सारे डाउट्स का आंसर करूँ। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है आज, अगर रिप्लाई नहीं मिला आपने, कल मेल किया था, तो थोड़ा वेट कर लें, वीकेंड्स को मैं सारे के सारे रिप्लाई कर दूंगा। जब वीकेंड आएगा, संडे आएगा, तो संडे को मैं सभी मेल्स का रिप्लाई करूंगा बैठ के। तो चलिए ये मेरा ईमेल आईडी है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे मेल कर दीजिए, राइट। और ये हमारा लैंडलाइन नंबर है ऑफिस का, अगर आपको IBPS PO मेगा प्रिपरेशन सीरीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी आपसे सेम टाइम पे। धन्यवाद।